नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एटोमी का क्लिंजिंग फोर सेट कैसे यूज़ करें, एटोमी इवनिंग फोर सेट को यूज़ कैसे करें आपकी स्किन के लिए, जो लेडीज़ और जेंट्स हैं दोनों के लिए है ये, ठीक है। तो इवनिंग केयर का जो सेट है उसको यूज़ कैसे करें, एटोमी का बेस्ट प्रोडक्ट है और साउथ कोरिया में नंबर वन प्रोडक्ट है ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के मामले में इंटरनेशनली, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का डेमो करना है, डेमो में हम आपको बताएंगे कि एटोमी के इवनिंग केयर के फोर सेट को आप कैसे यूज़ करें प्रॉपर तरीके से। तो कृपया करके इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको यूज़ करना है डीप क्लिंजर। इसमें चार ट्यूब हैं, उसमें फर्स्ट है डीप क्लिंजर। इसको आपको फेस पे अप्लाई करना है, फेस पे अप्लाई करना है हल्के हाथों से, ठीक है। रगड़ रगड़ के नहीं करना, बिल्कुल जेंटली हाथों से अप्लाई करना है, पूरे फेस पे आपको कवर करना है। आँख नाक और मुँह के अंदर ये जाना नहीं चाहिए, ठीक है। उसको बचाते हुए आपको पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई करना है, धीरे धीरे मसाज, धीरे धीरे, जो हार्ड मसाज है वो नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। हल्के हाथों से आपको मसाज करना है अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट के आसपास, ठीक है। 5 मिनट के आसपास जैसे आपका हो जाएगा, फिर उसको आपको क्लीन करना है फेस को, या तो टिश्यू पेपर यूज़ कीजिए या फिर आप कीजिए गर्म पानी। सेकंड है फोम क्लिंजर। इसके बाद आपको फोम क्लिंजर से आपको अपने फेस के ऊपर मसाज करना है हल्के हाथों से, उसको स्मीयर अप करना है फेस पे पूरी तरह से, ठीक है। फोम क्लिंजर सेकंड, फोम फर्स्ट है आपका डीप क्लिंजर, सेकंड में फोम क्लिंजर। तो फोम क्लिंजर से जैसे आपको फेस पे अप्लाई करना है, और 3 से 4 मिनट तक आपको अप्लाई करने के बाद 2-3 मिनट के करीब आपको यहाँ पे रुकना है, ठीक है। और 2-3 मिनट के रुकने के बाद उसको साफ़ करना है गर्म पानी या टिश्यू पेपर। थर्ड है पिलिंग मास्क, पिलिंग जेल, सॉरी पिलिंग जेल। ये पिलिंग जेल है, बिल्कुल लिक्विड टाइप है पानी की तरह। इसको आपको हल्के हाथ से आपका जो ड्राई फेस हो गया है उसके ऊपर अप्लाई करना है, और ऑयली त्वचा के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये, ठीक है। जिसकी ऑयली स्किन है उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो इसको जेंटल हल्के हाथों से आपको मसाज करना है फेस पे पूरी तरह से, स्मीयर अप करना है, और स्मीयर अप करने के बाद आपको 3 से 4 मिनट आपको इसको ऐसे ही रहने देना है आपके फेस के ऊपर, ठीक है। 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट आपको फेस के ऊपर रहना है, और फेस का पूरा जो गंदगी है वो यहाँ पे क्लीन हो जाएगा, ठीक है। उसको स्क्रब नहीं करना आपको हार्ड हाथों से, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है ये, और बाद में गर्म पानी या टिश्यू पेपर के साथ आपको वॉश करना है इसको, फेस को हल्का गुनगुना पानी या टिश्यू पेपर, ठीक है। इस तरह से आपको ये पिलिंग जेल यूज़ करना है, और गर्म पानी से आपको अपने फेस को वॉश करना है इसके बाद। उसके बाद लास्ट है पिल ऑफ मास्क। पिल ऑफ मास्क क्या, एक प्रकार का जो लेयर है आपके बॉडी के ऊपर, जो फेस है उसके ऊपर आ जाएगी, और सारी की सारी गंदगी ये कवर कर लेगी, ठीक है। और आपके चेहरे पर आँख नाक और अपने लिप्स को बचाते हुए आपको जो स्किन है आपकी फेस के ऊपर वहाँ पे अप्लाई करना है हल्के हाथों से धीरे धीरे, और फिर उसके बाद आपको 5 से 7 मिनट में ये सूखेगा नहीं, एटलीस्ट आपको 15 से 30 मिनट, मतलब कि 20 मिनट अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए ये सूख जाएगा, ठीक है। आपको वेट करना है इसके ड्राई होने का, उसके बाद आपको चेहरे से इसको हटा देना है, ठीक है। जैसे चेहरे से आप हटा देंगे तो काफ़ी गंदगियाँ जो चेहरे की है वो निकल जाएंगी, आपकी स्किन अब बिल्कुल ग्लो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक और प्रोडक्ट है टोनर। अगर आप टोनर 6 सेट का जो टोनर है वो अप्लाई करते हैं हस्बैंड और वाइफ, जो जेंट्स और लेडीज़ और जेंट्स हैं दोनों अप्लाई कर सकते हो आप इसके बाद, तो इससे आपकी जो स्किन है वो और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जो 7 लेयर है स्किन की अभी इवनिंग 4 सेट से जो क्लियर हुई है वो और क्लियर हो जाएगी, आप लोगों को दिखा सकते हैं अपना फेस, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।